हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस के न्यूमेरिकल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया थे कि डायमेंशन क्या होती है, फिर हमने बताया डायमेंशन के यूजेस, ठीक है, और फिर लिमिटेशन बताई थी, जो है दो वीडियो पीछे पड़े हुए हैं। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, स्टूडेंट फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के इन वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो स्टूडेंट, ये वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। x जो है हमारी डिस्टेंस है और t टाइम है, ठीक है, और हमें निकालना किसका है, ओमेगा और के का निकालना है। अब देखो, ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमने पीछे जब पढ़ाया था आपको साइन थीटा पढ़ाया था, ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर होगी तो इसकी भी सेंटीमीटर होगी, दोनों यूनिट कट जाएगी। अगर इसकी मीटर होगी तो इसकी भी मीटर होगी, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, तो क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इज डायमेंशन लेस। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी साइन कास टेन अगर कोई भी आ जाता है तो उसके आगे जो डिजिट लिखी होगी वो डायमेंशन लेस होगी, ठीक है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया। अब डायमेंशन लेस हो गया, देयर फोर यूनिट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वन अपॉन टी। यहाँ देखो, इसमें टाइम में डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन ओमेगा में भी होगी, दोनों मिल करके डायमेंशन लेस होंगे, तो जो इसकी डायमेंशन होगी उसका अपोजिट इसका होगा, इनवर्स होगा उसका, तो उसको इनवर्स से यहाँ लिखेंगे। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो इसका जो यूनिट होगा सेकेंड की पावर माइनस वन होगी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ओमेगा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टाइम सेकेंड है, टाइम पावर माइनस वन है, ये इसकी डायमेंशन होगी, ठीक है। दूसरे में देखो स्टूडेंट, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वन अपान एक्स, ठीक, के साथ एक्स है तो के का जो यूनिट होगा वो एक्स का इनवर्स होगा, ठीक है, और एक्स क्या है, यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो इसका यूनिट आप लिखेंगे मीटर पावर वन, यहाँ नीचे है, मीटर पावर वन हुई, डायमेंशन इसी से लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ के, और इसकी डायमेंशन क्या होगी, मीटर का इनवर्स यानी एल हुआ, एल टू द पावर माइनस वन हुआ, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आप देखो स्टूडेंट, फ्रॉम द फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन एक्स, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ इस फार्मूले से कि स्पीड और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट और डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। अगर डायमेंशन ना भी पता हो तो यूनिट पता होना चाहिए। तो हम लोग इसी फार्मूले से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, फार्मूला, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन एक्स, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। स्पीड को हम लोग क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं, और अंडर रूट का कर दें ई अपॉन एक्स हो गया, ठीक। अब इसका फार्मूला यही हुआ, ठीक, स्क्वायर कर दीजिए इसका, स्क्वायर कर देंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई अपॉन एक्स आ जाएगा। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू आ गया ई अपॉन वी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ई अपॉन वी स्क्वायर है, तो यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स। अब एक्स की यूनिट अगर हम लोग निकाल लें तो ऊपर कौन सी यूनिट है, इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी की यूनिट हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपॉन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यूनिट निकाल लो स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यूनिट देखो मीटर ऊपर चला गया तो पावर टू हो गई, ऊपर गया पावर फोर हो रहा है, यहाँ देखो स्क्वायर हो रहा है, पावर फोर हो रहा है इसका, ठीक। तो न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस फोर, सेकेंड का यहाँ स्क्वायर है तो नीचे माइनस ऊपर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको और अच्छे में लिख सकते हैं, देखो तो ये यूनिट ऑफ एक्स चल रहा है, यूनिट ऑफ एक्स, ठीक। इज इक्वल टू न्यूटन को हम लोग लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यहाँ हो गया मीटर टू द पावर फोर माइनस, और यहाँ हो गया सेकेंड की पावर टू, अब यहाँ से देखो स्टूडेंट क्या निकला, यह यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए केजी निकला, निकल आया केजी, ठीक। केजी के बाद हमारा सेकेंड, ये दोनों कैंसिल हो गए, मीटर फोर पावर माइनस का है, यहाँ प्लस वन का है, तो मीटर टू द पावर माइनस थ्री आ गया, यानी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। डायमेंशन क्या हो गई, डायमेंशन ऑफ एक्स, तो इसकी डायमेंशन यहाँ से देखो केजी के लिए एम लिखते हैं, मीटर के लिए एल लिखते हैं, पावर माइनस थ्री है, ये डायमेंशन हो गई। अच्छा ये फिजिकल क्वांटिटी कौन है, तो ये तो डेंसिटी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, ठीक है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, ठीक, ए इज इक्वल टू ए टी प्लस बी अपॉन सी माइनस टी स्क्वायर, वेयर टी इज टाइम, फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो हम लोग इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, देखिए पहले तो यहाँ देखो स्टूडेंट कि इन दोनों को c में से t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो जो यूनिट c स्क्वायर का होगा वही t स्क्वायर का होगा। यहाँ देखो ए टी ये इतने पूरे के साथ ऐड हुआ, तो इसका यूनिट इसके यूनिट के इक्वल होगा, और जो a का यूनिट वही इसका भी यूनिट होगा, ठीक है। तो जब ये दोनों यूनिट हो रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे देखें स्टूडेंट, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ ए टी इज इक्वल टू
यूनिट ऑफ ए स्मॉल ए क्या है? एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन में तो लिखा ही है यहाँ, तो क्वेश्चन चाहे तो यहाँ लिख दो कि गिवन, ठीक है, गिवन में एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, ठीक, ए टी प्लस बी अपॉन सी माइनस टी स्क्वायर, तो क्वेश्चन में लिखा ही है, तो यूनिट ऑफ ए टी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए होगा, और यूनिट ऑफ ए क्या निकलेगा, कैपिटल ए, यूनिट ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए बाई टी आएगा, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड, और नीचे सेकेंड स्क्वायर, और नीचे एक सेकेंड और आ गया, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड की पावर क्यूब, ठीक। डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए, डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहाँ मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी, पावर टाइम पर माइनस थ्री हो गया। अब देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना कि ये है दोनों का तो टाइम स्क्वायर है, तो अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो बी का जो यूनिट आएगा वो ए टी स्क्वायर का आएगा, उसी से निकालते हैं, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक, ए टी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर का यूनिट सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, मीटर आ गया, ठीक है, तो यूनिट आप भी क्या आ गया, केवल एम आ गया, ठीक। डायमेंशन आप भी, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी की जो डायमेंशन आ गई यहाँ से मीटर है, तो मीटर के लिए एल होगा, एल आ गई, ठीक। फिर देखो आगे हम लोग देखें यूनिट ऑफ सी, यूनिट ऑफ सी, तो सी टी स्क्वायर के साथ सबट्रैक, टी स्क्वायर इसमें से सबट्रैक हुआ है, तो यूनिट ऑफ टी स्क्वायर, यूनिट ऑफ टी स्क्वायर हुआ, और टी स्क्वायर टाइम है, टाइम है तो सेकेंड का स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर हुआ, ठीक, और से ये यूनिट हो गया इसका सेकेंड एस स्क्वायर यानी सेकेंड स्क्वायर हो गया। डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ सी, ठीक, और सेकेंड के लिए टी लिखते हैं तो टी स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी टू द पावर एक्स, एच टू द पावर वाई। तो वेलोसिटी को जनरली हम लोग वी लिखते हैं, और कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है तो फॉलिंग लिखा ही है, तो ये दिया हुआ है जी टू द पावर एक्स और एच टू द पावर वाई, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने जो रूल आपको बताया वही यूज करिए, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, एल टी टी टू द पावर माइनस वन होती है, ठीक है। फिर डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन होती है, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी टू द पावर माइनस टू, और इसकी पावर है एक्स, ठीक, और हाइट होती है, लेंथ होती है हाइट, तो हाइट की डायमेंशन एल होगी, और एल टू द पावर वाई हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर एडजस्ट करें स्टूडेंट,
तो यहाँ देखो एल टू दी पावर एक्स आ जाएगा, और यहाँ है एल टू दी पावर वाई, तो ये आ जाएगा वाई, एल टू दी पावर एक्स प्लस वाई, और टी टू दी पावर यहाँ आ गया, टी टू दी पावर माइनस टू एक्स आ गया। अब कंपेयर कर दो स्टूडेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, कंपेयर कर लो दोनों को। कंपेयर करने से क्या निकलेगा, यहाँ देखो एल टू दी पावर एक्स प्लस वाई है, यहाँ कितना है, यहाँ देखो एल टू दी पावर एक्स प्लस वाई है, और यहाँ एल टू दी पावर वन है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन हो गया। ये हमारा इक्वेशन पहला हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो टी टू दी पावर कितना है, माइनस टू एक्स, यहाँ कितना, टी टू दी पावर माइनस वन, एंड टी टी टू दी पावर कितना है, एंड टी टू दी पावर माइनस टू एक्स है, तो टू एक्स माइनस का इज इक्वल टू, इधर है माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस वन, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई वन बाई टू। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो स्टूडेंट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो वन बाई टू अब प्लस वाई हुआ इज इक्वल टू वन हुआ, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस वन बाई टू, यानी वाई इज इक्वल टू आ गया वन बाई टू, ठीक है स्टूडेंट। एक आंसर यहाँ आपका हो गया एक्स, और एक आंसर यहाँ हो गया वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ओके स्टूडेंट। आप देखो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ़ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के बाद कॉमा, फोर्स एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स। वेलोसिटी को हमने, टाइम को और फोर्स को फंडामेंटल यूनिट ले लिया, देन फाइंड आउट द डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ मास, तो मास का डायमेंशनल एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहला हम लोग जो सलूशन करेंगे वो एक एक कदम हम लोग चलते जाते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन का यूनिट लिखें वेलोसिटी के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक, अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। और अगर हम लोग वेलोसिटी को फंडामेंटल यूनिट लिख रहे हैं, तो एक्सेलरेशन की यहाँ डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, क्या आ जाएगी, v ऊपर है और टाइम नीचे है, तो टाइम का हम लोग t लिखेंगे, वो तो इसको फंडामेंटल मान लिया है, और वेलोसिटी को v ले लिया हमने, तो ये हमारी डायमेंशन हो गई। इसको ऊपर करेंगे पावर माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा v, और t टू दी पावर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन,
ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अगर हम लोग निकालें डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास इज इक्वल टू ऊपर फोर्स है, डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या निकला स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, डायमेंशन ऑफ फोर्स ऊपर है, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स इज फंडामेंटल यूनिट, तो ये हो गया एफ, ठीक। अब नीचे जो यूनिट आ रहा है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ये नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर करेंगे पावर माइनस वन होगा, तो यहाँ हो जाएगा वी, और टी पावर माइनस वन, और इसकी पावर माइनस वन होगी, ठीक। यानी डायमेंशन ऑफ मास क्या निकला, यहाँ से आप देखिए, डायमेंशन ऑफ मास ठीक है, अब मास की डायमेंशन यहाँ से क्या निकली, एक तो एफ आई है, एफ हुआ, वी टू द पावर ये आया यहाँ पे तो माइनस वी हुआ, माइनस वन हुआ, और ये इस पर आया तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो गया, तो प्लस वन तो लिखते नहीं, तो टी टू द पावर वन आएगा, वन लिखते नहीं है, तो एफ फिजिक एफ वी टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर वन आएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डायमेंशन मास की, हो गई कब, जब वेलोसिटी फोर्स टाइम फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, अज्यूमिंग दैट मास एम ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी मूव्ड बाई ए फ्लोइंग रिवर डिपेंड्स अपॉन, यानी मास जो है एम है ये डिपेंड हो रहा है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है वेलोसिटी वी, वी टू द पावर एक्स, ठीक, वेलोसिटी वी टू द पावर एक्स, इट्स डेंसिटी रो, रो टू द पावर वाई, ठीक, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जी टू द पावर जेड। एक्स वाई जेड हम अपनी ओर से मानेंगे, ठीक है, तो लेट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं लेट मास एम डिपेंड्स, मास एम डिपेंड्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि मास एम डिपेंड है किस पर, v टू द पावर x, रो टू द पावर y, g टू द पावर z, यानी ये फार्मूला बनेगा कि m प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर x, रो टू द पावर y, g टू द पावर z, z क्या है, वेयर x, y, z आर डायमेंशंस ऑफ v, रो एंड g, इनकी डायमेंशंस हो गए। आप देखिए डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ वही फार्मूला लगाएंगे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अब यहाँ लगाइए स्टूडेंट, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, मास, तो मास की डायमेंशन एम होती है, और तो कोई है नहीं। अच्छा अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनल की जगह स्क्वायर आप लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए
वी क्या है, वेलास्टी, वेलास्टी की डायमेंशन एल टी टू द पावर माइनस वन होता है, इसकी पावर एक्स हो गया। डेंसिटी होता है मास अपान वॉल्यूम, और मास के लिए एम लिखते हैं, और एल टू द पावर माइनस थ्री हो गया, ये वाई हो गया, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एल टी टू द पावर माइनस टू, एक्सेलरेशन की डायमेंशन इसकी पावर जेड हो गई। ठीक है, अब इस राइट हैंड साइड में हम लोग सिस्टम से कर देते हैं, एम टू द पावर यहाँ केवल वाई है, वाई हो गया। ठीक, यहाँ देखो टी टू द पावर हो, एल टू द पावर कितना हो गया, एल टू द पावर यहाँ से आ गया एक्स, यहाँ से आ गया माइनस थ्री वाई, और यहाँ से आ गया प्लस जेड। ठीक, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। फिर आया हमारा टी टू द पावर, टी टू द पावर यहाँ से आया माइनस एक्स। ठीक, इसमें तो है नहीं टी, यहाँ आया टी टू द पावर माइनस टू जेड। ठीक है, अब दोनों जब डायमेंशन इक्वल है स्टूडेंट, तो इनको कंपेयर कर लीजिए। ठीक, कंपेयर करने पर देखिए एम टू द पावर यहाँ कितनी है डायमेंशन, एम है, यहाँ देखो एम तो है, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो है, जब नहीं होते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, अब कंपेयर कर लो, तो यहाँ क्या निकला, इससे इससे हम लोगों की वैल्यू निकल के आई, एम टू द पावर वाई है, एम टू द पावर वन है, तो वाई इज इक्वल टू वन आ गया। ठीक है, एल टू द पावर जीरो है यहाँ, और यहाँ है एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक, वाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया एक्स माइनस, वाई की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, थ्री इंटू वन, और प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ माइनस थ्री हो गया, इधर कर देंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स और प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री, ये इक्वेशन हमारा टू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगला हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट, देखिए आगे हमें क्या मिलता है। यहाँ थ्री हो गया, अब तीसरा हमारा क्या है, एक्स माइनस, यहाँ पर टी की पावर कितनी है, माइनस एक्स माइनस टू जेड, माइनस एक्स माइनस टू जेड आई इज इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक, माइनस कामन ले लो, माइनस कामन लेने पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस कामन लेके इधर कर दो, तो एक्स प्लस टू जेड इज इक्वल टू, इधर जीरो के साथ आएगा, जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लिख दें ऐसे, देखो एक्स प्लस जेड प्लस जेड, ये टू जेड है, तो इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमें यहाँ थ्री पता है ना, तो इसको हम थ्री लिख देंगे, इसको यहाँ देखिए थ्री हो जाएगा ना ये, तो ये क्या आ गया, एक्स प्लस जेड की जगह थ्री आ गया, थ्री और प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, ये कहाँ से हमने लिया, फ्रॉम इक्वेशन टू से ले लिया। ठीक है, इक्वेशन टू से हमने निकाला, इससे जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड इज इक्वल टू आ गया माइनस का थ्री। ठीक, अब जेड को चाहे यहाँ रख लो, ठीक, ये भी ले सकते हो, ये इक्वेशन थ्री बना सकते हो, या इसमें नहीं लेना चाहते हो तो इसी में ले लो, इसमें ठीक है मिल जाएगा जेड की वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन टू, नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू से लगा दो तो एक्स और प्लस जेड की जगह माइनस थ्री आ गया, आई इज इक्वल टू थ्री आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स, ये एक्स की वैल्यू निकल आई सिक्स। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या हुआ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स वाई एंड जेड इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन में वैल्यू पुट करो और यहाँ देखो वैल्यू कितनी आ रही है। एम इज इक्वल टू एम प्रोपोर्शनल टू, यहाँ देखो इक्वेशन वन में क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन वन हो गया एम प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर एक्स, एक्स कितना है सिक्स, ठीक है। और क्या लिखा है, रो टू द पावर वाई, और वाई हमारा है वन, और जी टू द पावर जेड है, जेड है माइनस थ्री, ठीक। अब अगर इसको हम लोग फार्मूला लिखें स्टूडेंट, तो एम जहाँ प्रोपोर्शनल होता है वहाँ कांस्टेंट कोई आता है, और ये वी टू द पावर सिक्स हुआ, ठीक, वी टू द पावर सिक्स हुआ, वी टू द पावर सिक्स, और रो रो टू वन पावर लिखते नहीं, अपान आ जाएगा जी टू द पावर थ्री नीचे आ जाएगा, एम का ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले से एक चीज़ तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, डेंसिटी और ग्रेविटी ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, और के तो कांस्टेंट आपने यहाँ लिया ही, जब इक्वल टू लगाया, इसका मतलब देन, ठीक, एम प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर सिक्स हो गया, ठीक है। मास जो है वेलास्टिक पावर छः से वैरी करेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैटेंट हीट ऑफ वेपर इज 536 कैलोरी पर ग्राम, कन्वर्ट इट इनटू जूल पर केजी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, इधर कैलोरी लिखा है, इधर जूल है। कैलोरी को हम लोग लेते हैं यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, उसको हम लोग क्यू से लिखते हैं, तो हीट को हम लोग किससे लिखते हैं, हीट हमारा जो होता है ये क्यू लेते हैं, ठीक। और जूल का जो वर्क होता है उसकी यूनिट हम लोग लेते हैं, तो वर्क को हम लोग डब्लू लेते हैं। पर एक हमारा यहाँ जो फंक्शन आता है स्टूडेंट, वो ये आता है कि वन कैलोरी जो हमारी होती है वो 4.18 जूल होती है, ठीक है। वन कैलोरी 4.18 जूल होती है, इसको कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिख देते हैं कि 4.2 जूल, पर हम लोग इसी को यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, अगर हम हीट के लिए डायमेंशन क्यू ले लें और वर्क के लिए डायमेंशन डब्लू ले लें, तो इन दोनों का रेशियो तो यही आएगा ना, जब वन कैलोरी अपॉन वन जूल है, तो हम इससे यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, फ्रॉम द फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक, इसका हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू लिखते हैं। यहाँ से जो हमारा निकल के आता है एन टू इज इक्वल टू एन वन ब्रैकेट में आता है यू वन अपान यू टू, ठीक। डायमेंशन के फार्म में अगर इसको हम लोग लिखेंगे
तो N2 इज इक्वल टू N1, ब्रैकेट में U1 लिखा है, U1 का मतलब कैलोरी पर ग्राम है, कैलोरी के लिए हीट के लिए Q हमने लिखा है, और ग्राम मास है तो मास होगा, तो ये हो गया ऊपर हो गया Q, और मास के लिए हो गया M1, और पावर हो गई -1। ठीक, ये Q कैलोरी के लिए लिया और ग्राम के लिए मास लिया, तो फर्स्ट में मास ग्राम में है तो 1 हुआ और पावर -1 हुई। दूसरा यूनिट 2 है, यूनिट 2 में इधर जूल है, जूल वर्क के लिए हुआ तो इसको हमने W लिया। ठीक, और दूसरा यहाँ लिखा केजी, केजी M2 में हुआ, सेकेंड में हुआ, लेकिन ये भी नीचे है, यहाँ लिखा है जूल पर केजी, तो इसकी भी डायमेंशन ऐसे ली जाएगी। अब इन दोनों को अलग अलग कर दो स्टूडेंट, ये हो गया N1, ठीक, Q/W, और दूसरे में हो गया M1/M2 -1 हो गया। अब वैल्यू रख दो जो जो गिवन है, यहाँ गिवन देखो क्या है, ये N2 का ये फार्मूला हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, गिवन हमारा क्या क्या है देखो, N1 इज इक्वल टू हमारा कितना है 536। ठीक, बाकी वैल्यू खुद इसमें रख लो, देन N2 इज इक्वल टू ये हो गया 536, ऊपर हो गया कैलोरी पर जूल, ठीक, ये जूल हो गया, और ऊपर हो गया M1 कितना है ग्राम, और M2 हमारा कितना है किलोग्राम, केजी, -1 हो गया। वैल्यू रख लो अब स्टूडेंट, इज इक्वल टू 536 4.18 इंटू इसका कितना आ जाएगा ग्राम अपान केजी का, नीचे आ जाएगा 1/1000, और पावर -1 है तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू ये हो जाएगा 1000। ठीक है, वैसे एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, 1000 इसकी पावर -1 है, तो जब पावर -1 है तो ये ऊपर हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर N2 की वैल्यू आएगी, N2 इज इक्वल टू 536 4.18 इंटू 1000। अब देखो स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ गई 2240.48 इंटू 10^3, 1000 को 3 लिख दिया। हम लोग पॉइंट को यहाँ ले आते हैं ऑर्डर पर, तो 3 पावर इधर ऐड हो जाएगी, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 2.24 10^1, 2, 3 और ऐड हो जाएगा 10^6। ठीक है स्टूडेंट, यानी हमारा रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि हमारा जो आंसर होगा जूल पर केजी में लैटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है, इज इक्वल टू 2.24 इंटू 10^6 इतना जूल पर केजी, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, वान डर वाल्स इक्वेशन इज गिवन बाय P+A/V² V-B इज इक्वल टू μRT, वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए गैस, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए गैस, μ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। फाइंड आउट द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ A and B, इस A और B की यूनिट और डायमेंशन निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होगी उन्हीं की हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी जो यूनिट पी की होगी वही यूनिट ए अपान बी स्क्वायर की होगी, और जो यूनिट वी की है वही यूनिट बी की होगी। ठीक है, यहाँ देखो स्टूडेंट, यूनिट ऑफ पी, यूनिट ऑफ ए अपान वी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट किसके बराबर होगी, पी के, यूनिट ऑफ पी। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो यूनिट ऑफ ए कितना होगा, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी वी स्क्वायर। ठीक, अब देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर टू द पावर सिक्स मीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर लगा है, तो ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर टू द पावर माइनस टू, ठीक, मीटर टू द पावर सिक्स। अब यहाँ सिक्स माइनस टू यानी फोर, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर टू द पावर फोर। अब अगर हम लोग न्यूटन को किलो अगर हम लिख दें तो न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक, आई इंटू मीटर टू द पावर फोर हो गया। इससे यूनिट क्या निकल के आई, देखो स्टूडेंट, यूनिट ऑफ ए चल रहा है, यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर टू द पावर फाइव सेकेंड टू द पावर माइनस टू। ठीक, डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ किलोग्राम मास के लिए है एम और मीटर एल है पावर फाइव, सेकेंड टाइम है टाइम का पावर माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक, वैसे ही यहाँ देखो देखो स्टूडेंट, यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वी। ठीक है, और V मीन्स वॉल्यूम हुआ तो इसका यूनिट हो गया मीटर क्यूब, डायमेंशन ऑफ B, डायमेंशन ऑफ B और इसकी डायमेंशन मीटर के लिए L लिखते हैं, क्यूब लगा है तो L क्यूब हो गया। ओके स्टूडेंट।